नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कूलर बहुत अच्छे तरीके से लगा हुआ है, रूम के बाहर भी लगा हुआ है, वेंटिलेशन भी फुल है, लेकिन फिर भी हवा ठंडी नहीं आ रही है या फिर बीच बीच में गर्म हवा के झोंके वो कूलर आपकी तरफ पास कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है, जब ऐसी प्रॉब्लम आपको आए कि प्रॉपर आपके पैड लगे हों और उसके बाद भी हवा ठंडी नहीं हो, तो आपको एक चीज को चेक करना है। जो परंपरागत कूलर हैं, यानी कि जो ट्रेडिशनल कूलर्स हैं जिसमें आपके घास वाले पैड लगे हुए हैं या सेलुलोज के पैड लगे हुए हैं, तो वहां आप देख लें कि पैड की डेंसिटी क्या है। अगर पैड पतला है और उसमें घास की कमी है, तो वो कूलर आपको हवा ठंडी नहीं देगा या फिर बीच बीच में गर्म हवा के झोंके देगा। उसका कारण क्या है वो आपको समझा देता हूं। एक्चुअल में जो पैड होता है वो आपके पूरी जाली को कवर किए हुए होता है। अगर वो सही नहीं लगाया, जाली में कहीं स्पेस है तो भी गर्म हवा आएगी, और अगर पैड में हल्का है यानी कि उसमें घास कम है तो भी हवा आपको गर्म आएगी, क्योंकि पानी जब पैड पे गिरता है उससे पास होकर के हवा आती है। अब चूंकि घास उसमें कम है तो पानी ज्यादा देर तक घास में रुकेगा नहीं और बहुत जल्दी से नीचे आएगा, तो ऐसे में हवा बहुत जल्दी उस पैड को पास करके कूलर के अंदर आ जाती है और वो आपको जब हवा फेंकेगा तो बीच बीच में हल्के हल्के से गर्म हवा के झोंके आपको कूलर चलते रहने के बाद भी लगते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपको पैड की डेंसिटी काफी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वो गहरा पैड होना चाहिए। अब कुछ लोग इसके लिए क्या करते हैं कि डबल पैड लगा लेते हैं, तो ये भी इसका एक अच्छा उपाय हो सकता है। लेकिन डबल पैड लगाने से पहले ये ध्यान रखेंगे, अगर पैड ज्यादा घनत्व लिए होगा, ज्यादा गहरा हो जाएगा, तो वो भी हवा कम ही देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर क्वालिटी के आप घास वाले पैड खरीदें, अगर घास वाला पैड वाला कूलर है तो। दूसरी बात आती है हनीकॉम्ब पैड वाली। अब हनीकॉम्ब पैड का मतलब क्या हुआ? हनीकॉम्ब पैड का मतलब ये होता है कि अभी ये नई टेक्नोलॉजी जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो इसके बीच में जो रंध्र है उसमें से हवा जो है छन करके आती है। सेम सिस्टम है, पानी इस पे गिरता है और हवा जो है पानी की लेयर के बीच में से आपके पास आ रही है, इसलिए ठंडी होकर के आती है। अब इसकी जो डेंसिटी है वो 85 mm से अगर कम है, 85 mm से अगर कम है, तो हवा जो है प्रॉपर रूप से ठंडी नहीं होगी और आपका कमरा भी ठंडा नहीं होगा। तो पैड लेते टाइम आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि कम से कम 85 mm का, 85 mm का पैड तो आपका होना ही चाहिए। भले ही आप इसको ये नाप करके आप ले लें ताकि आपको चीज प्रॉपर मिले और हवा भी आपको ठंडी मिले। तो ये थी पैड की बारीकी। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कूलर भले ही किसी भी स्थिति में लगाएं, आपको कूलर प्रॉपर ठंडी हवा नहीं देगा और बीच बीच में गर्म हवा के झोंके भी आपको लगते रहेंगे और आप बार बार जालियों को ठीक करते रह जाएंगे, प्रॉपर समस्या की ओर आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताएं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो भी ठंडी हवा का आनंद ले सके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।